हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे शाही कैप्सिकम अनियन करी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई में डालेंगे 3 चम्मच तेल। तेल गर्म होने पर उसमें डालेंगे जीरा, एक तेजपत्ता, 4-5 लौंग, अब हम इसमें डालेंगे रफली चॉप्ड अनियन, प्याज को अच्छे से भून लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन की कलियां, अब डालेंगे कटा हुआ टमाटर, अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, इलायची पाउडर। इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मसालों को 1 मिनट के लिए हम भून लेंगे। मसाले जब भून जाए, अब हम उसमें डालेंगे काजू, मेलन सीड्स, उनको भी अच्छे से भून लेते हैं। अब हम इसको कवर करके 2 मिनट के लिए पकाएंगे। चेक कर लेते हैं, टमाटर और प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। अब हम इनको ठंडा होने देंगे और ठंडा होने पर हम इसको पीस लेंगे। अब मैंने फिर से एक कढ़ाई ले ली है, उसमें डालेंगे 2 चम्मच तेल। तेल को गर्म होने देंगे। अब इसमें डालेंगे शिमला मिर्च, शिमला मिर्च को हमें 2-3 मिनट तक भूनना है। देखिए शिमला मिर्च हमारी अच्छे से फ्राई हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे कटा हुआ प्याज, प्याज को भी हम अच्छे से भून लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे मसाला जो हमने पहले से ही भून के रखा था, उसको हमने पीस लिया है। अब हम उसको इसमें डालेंगे। अच्छे से मिला देंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। गरम मसाला पाउडर। और हाथों से क्रश करके कसूरी मेथी। अब इन चीजों को भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं मसाले में।
सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच मलाई, मलाई को भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसको ढककर 1 मिनट के लिए पकने देंगे। एक मिनट हो गया है, अब हम चेक कर लेंगे। तो ये देखिए, शाही कैप्सिकम अनियन करी हमारी तैयार हो गई है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।